तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेस्ट हेडशॉट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में। मतलब अगर आप लोग ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आप लोग बहुत ही इजीली हेडशॉट मार पाओगे, चाहे आप लोग कोई भी गन यूज कर रहे हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मेरे चैनल पे आपको हर एक टाइप का कंटेंट देखने को मिल जाएगा, चाहे क्लैश स्क्वाड में रैंक पुश का वीडियो हो या फिर ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी का वीडियो, चाहे लैग फिक्स का वीडियो हो या फिर वन टाइप हेडशॉट ट्रिक का वीडियो, हर एक टाइप का आपको कंटेंट मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल पे वाली बार आए हो ना, तो वहाँ पे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस बटन को जल्दी से प्रेस कर लो, और प्रेस करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक साथ चार कैरेक्टर का स्किल यूज कर सकते हैं। मतलब एक मेन कैरेक्टर हमें यूज करना पड़ता है और उसके साथ हमें तीन और सॉल्ट देखने को मिल जाता है, जिनमें हम लोग तीन और स्किल्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल ये है कि मेन कैरेक्टर में हमें यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर यूज करना है, आलोक क्रोनो के यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। तो भाई देखो यहाँ पे मेन कैरेक्टर में आपको यूज करना है उकोंग। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई उकोंग यूज करके कैसे हेडशॉट मारेंगे हम लोग। अब देखो यार, उकोंग का जो एबिलिटी है वो क्या है कि उकोंग के एबिलिटी को जैसे ही हम लोग ऑन करते तो वहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर गिलीबुश में कन्वर्ट हो जाता है। और उस सिचुएशन पे क्या होता है कि आपके हाथ में चाहे वन टैप का गन हो या फिर ड्रैग का गन हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है ड्रैग मारने के लिए, अच्छा इमलॉक करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार सकते हो किसी भी एनिमी को। इसलिए आपको क्या करना है, मेन कैरेक्टर में ना आपको अलोग रखना है, ना आपको क्रोनो रखना है और ना आपको के रखना है। अगर आप लोग हेडशॉट मारना चाहते हो तो वहां पे मेन कैरेक्टर में आपको यूज करना है उकोंग। अभी मजा आएगा ना भिड़। तो गाइस मेन कैरेक्टर में उकोंग को यूज करने के बाद अभी आपको उकोंग में तीन एबिलिटी ऐसे यूज करना है जिससे उकोंग और भी खतरनाक हो जाए और आप लोग और भी आसानी से हेडशॉट मार पाओ। तो सबसे पहले सॉल्ट में आपको कौन से कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दशा की एबिलिटी यूज करना है। अभी आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई दशा से हमें क्या फायदा मिलने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दशा से आपको क्या फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास दशा बिल्कुल 6 लेवल का है, मतलब मैक्स लेवल का है। तो यहाँ पे जो दशा का एबिलिटी है, तो यार पहला जो दो एबिलिटी है इनको छोड़ के अगर आप लोग दूसरे दो एबिलिटी को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस रेट ऑफ रिकॉइल बिल्डअप बाय 10% एंड रिड्यूस मैक्सिमम रिकॉइल बाय 10%। तो आपका जो गन का रिकॉइल है, रिकॉइल को ये 10% कम कर देता है और आपका गन का रिकॉइल को और 10% बिल्डअप कर देता है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग चाहे कोई भी SMG गन यूज कर रहे हो या फिर एयर के गन यूज कर रहे हो या फिर वन टैप के गन यूज कर रहे हो, तो उस गन में जो रिकॉइल प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है दशा की एबिलिटी, जिससे आपका गन रिकॉइल कम होगा और आप लोग बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार पाओगे। अभी देखो यार दूसरे सॉल्ट में आपको कौन से कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करना है, यहाँ पे आपको लौड़ा की एबिलिटी यूज करना है। क्या बोला तूने? हाँ भाई, लौड़ा बताया है, लौड़ा नहीं बताया। तो प्रोनाउंस थोड़ा सा भाई इधर उधर है तो आप लोग समझ लो। तो यहाँ पे देखो जो लौड़ा की एबिलिटी है वो क्या काम करता है कि यहाँ पे एक्यूरेसी को 35% इंक्रीज कर देता है जब आप लोग स्कोप को ओपन करते हो। तो क्या है कि हम लोग तो हमेशा यार नॉर्मल स्कोप इन करके नहीं मारते, मतलब नॉर्मल हम लोग ड्रैग करते हैं, वन टैप के गन में हम लोग स्कोप इन नहीं करते। लेकिन यार कोई भी SMG गन या फिर एयर के गन यूज करे तो वहाँ पे हम लोग अगर एनिमी बहुत ज़्यादा दूर में रहते तो वहाँ पे स्कोप को ओपन करके ड्रैग करते, तो उस वक्त पे अगर आप लोग लौड़ा को लगा के रखोगे तो वहां पे हेडशॉट मारने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। और गाइस यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहां पे जो भी मेरा गेम प्ले चल रहा है वहां पे जो मैं कैरेक्टर स्किल यूज कर रहा हूं, यहां पे वही कैरेक्टर स्किल यूज करके मैं हेडशॉट मार रहा हूं। आप लोग अगर यहां से ध्यान से देखोगे तो वहां पे सेम कैरेक्टर की एबिलिटी है, यहां पे मैं यूज करके गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे मैं इतना बेहतरीन हेडशॉट मार रहा हूं। अब देखो थर्ड सॉल्ट में आपको जो कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करना है ये काफी खतरनाक और बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप लोग ये
कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज करोगे थर्ड सॉल्ट में, तो आपका जो उकोंग है वो और भी खतरनाक हो जाएगा। तो यार थर्ड सॉल्ट में आपको कौन सा कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करना है, यहाँ पे आपको डीपली कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करना है। अब देखो डीपली कैरेक्टर की एबिलिटी से आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर डीपली आपके पास मैक्स लेवल का है तो वहां पे क्या है कि जब आप लोग फायर करोगे तो वहां पे तो आपका मूवमेंट स्पीड को ये 20% इंक्रीज कर ही देगा, और साथ ही साथ यहां पे क्या होगा कि आपका जो एक्यूरेसी है वो 45% इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे यहां पे आप लोग सोच सकते हो कि अगर आपका 45% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है तो वहां पे एक भी बुलेट्स आपका मिस नहीं होगा, और आपका जो एम है एम बहुत ही ज्यादा कम रिकॉल करेगा, और आपका हर एक गोली एनिमी के हेड में जाके लगेगा अगर आप लोग सही से ड्रैग करना जानते हो। तो भाई अगर आप लोग ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आपका एम बिल्कुल भी रिकॉल नहीं होगा और आप लोग बहुत ही अच्छे से हेडशॉट मार पाओगे। और गाइस जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट साइड में आपको ऑटो वन टैप हेडशॉट ट्रिक का वीडियो मिल रहा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, और लेफ्ट साइड में आपको लैग फिक्स करने का वीडियो मिल रहा है, गेम लैग कर रहा है तो आप लोग लैग फिक्स कर सकते हो। ये दोनों वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लो।